ठाकुर भय प्रताप सिंह की जय हो। करिंदे ये बताओ मेरे रैयत में किसी को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं? जमींदार साहब हमारे देखने में किसी को किसी चीज की दिक्कत नहीं है, हर कोई खुशहाल रह रहा है ना। हाँ जमींदार साहब मैं कल ही आपके रैयत में घूमने गया था, जहाँ जहाँ गया तहाँ तहाँ देखा कि सारी प्रजा आपकी बिल्कुल खुशहाल नजर आ रही है। ठीक है लेकिन मेरी सोच है हो सकता है किसी पर आपकी नजर न पड़ी हो, मेरे तरफ से रैयत में वादी करवा दो कि अगर किसी को अनाज की या पैसे की किसी प्रकार की कमी हो या वस्त्र की वो आकर यहां से ले जाए। ऐसा ही होगा जमींदार साहब। जमींदार साहब आज ही मैं ये डुग्गी मुनादी आपके इस इलाके में करवा देता हूँ। ठीक है आप जा सकते हैं, मैं अभी मुनादी वाले को बुलाता हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ मैं मुराही करने वाला हूँ। तब बोले हाँ फिर देखो कहेगा तो आप ही ने तो बोला है कि मुराही वाला कहाँ है। अबे मैंने बोला मुनादी वाला। अच्छा अच्छा किसको करना है? किसको करना है? हाँ अरे किसके साथ करना है, तुम्हारे साथ करना है कि और कोई दूसरा है? अबे इडियट किसी के साथ करना है या पब्लिक में करना है? पब्लिक में करना है। किसके साथ? मुनादी का मतलब नहीं समझा। मैंने नहीं समझा। अबे गधे मुनादी का मतलब ये डुग्गी समझता है? अच्छा जो पंचमी को पीटा जाता है तो डालिया है। पंचमी को जो सूप पीटते हैं उसको बोलते हैं। पंचमी को सूप पीटा जाता है कि गुड्डी पीटा जाता है? अबे डुग्गी बोला हूँ गुड्डी नहीं। हाँ डुग्गी डुग्गी। आप करवाएंगे जी? आपका चेहरा ठीक नहीं है। क्यों भे? इसलिए मौसम मेरा नहीं बनेगा। तो मेरे आप ही तो कह रहे हैं कि मेरे साथ करना है। अबे साले मुनादी करना है। अच्छा अच्छा वही तो मैं भी बता रहा हूँ, दूसरी बात थोड़ी कह रहा हूँ। डुग्गी मुनादी का मतलब तू नहीं समझता? नहीं नहीं नहीं। ढिढोरा जानता है? ढिढोरा क्या? अबे साले पब्लिक में जाके कहना। पब्लिक में कहना? हाँ क्या कहना? कहना यही है हाँ कि जो इस इलाके में गरीब अतीम मोहताज हो आपके अभय सिंह प्रताप के यहू शाहिद मोहताज महीनम दो जाए मिलत है यहू शाहिद मोहताज। हाँ हाँ कुछ गरीब ऐसे भी पड़े हैं कि उन तक कोई व्यवस्था नहीं पहुंचता। अच्छा 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 कोई तो उन्हीं के लिए है। अच्छा कि कोई अगर गरीब मोहताज अतीब हो तो वाके दरबार से पैसे की जरूरत हो पैसा ले जाए और अन्न की जरूरत हो तो अन्न ले जाए, बस्तर की जरूरत हो तो बस्तर ले जाए और पैसा दिया जाएगा तो कर्जे के तौर पर और अन्न और बस्तर मुफ्त में दिया जाएगा, कपड़ा भी मिलेगा। बेवकूफ कपड़ा भी मिलेगा नया? हाँ हाँ नया मिलेगा। और पुरान? बे पुराना कोई लेगा? हटा पुरान कपड़ा बहुत कामे आवत है। किस काम आता है? अरे वो बहुत अहम काम में आवत है। अबे गधे किस काम आता है? अरे बहुत अहम काम है आवत भाई। अरे बताएगा तो पुराने कपड़े बहुत जरूरी काम है ताकि नवा कपड़ा नहीं काम है। तो अगर जब पुराने कपड़े की जरूरत होगी तो पुराना भी दिया जाएगा? पुराना भी मिलेगा जी। हाँ भाई ठीक है ठीक है जाइए। हाँ मैं कर दूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों आप लोग सुनिए, गढ़पेलन की लड़ाई तो आप लोग बहुत सुना होगा, आला बहुत सुना होगा, लेकिन
किसी का पहले ही बता दिया कहा चीज कहता नहीं हो। मैं अपने दिमाग का काम करता हूं। दोस्तों आप लोग सुनिए, यहाँ हमारे बहुत से भाई लोग बहन लोग बैठी हैं। अभी मैं यहाँ ऐलान करूंगा और गाऊंगा बजाऊंगा, सब लोग जुटेंगे, मैं यही बता दूंगा। लेकिन कैसे ऐ भैया, पहले के मर्दों में मर्द रहे, अब के मर्द भये नारी। हमने तुमसे बोला था दुखी करने के लिए और बेवकूफ तू यहाँ अब ये धीरे धीरे तो कर रहा है। धीरे धीरे सब जुटे ला गए, आधा जने तो बगली आएंगे। हाँ सब इकट्ठा हो गया तो हम बोल दी। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, गाना के माध्यम से तू पब्लिक को इकट्ठा कर रहा है। ऐसा है हाँ? कि अगर हम गांव में हलेंगे तो शायद बरहो मास कुकुर कुकुरात है। अच्छा अच्छा कुत्ते का डर। हाँ अब कहो आपको कुकुर काट ले समय तो इतना बड़ा सुई पेली है यही पुट्ठा पर। बढ़िया भैया बढ़िया कहा हलावत है बाबू, मतलब तू होशियारी से काम कर रहा। हाँ भैया हमार तो ठीक है, पब्लिक इकट्ठा करके फिर मुनादी करते।